चलिए हम लोग स्मार्ट रूम चैनल से अपने हम मैंने आज क्लासरूम खोला है, लॉ का क्लास। यानी कि जो नया कानून बना है, पुराने जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस किताब या लॉ था, अब लगभग समाप्त कर दिया जाएगा, बहुत जल्द नोटिफिकेशन होगा। हालांकि इस पर तो लोकसभा राज्यसभा से लेकर राष्ट्रपति महामहिम का भी सिग्नेचर के और फॉर्मेलिटीज बाकी है, ट्रेनिंग स्टार्ट है, किताबें छप रही हैं। और ताकि अभी क्योंकि नया कानून लागू करने में पुरानी कानून है, निश्चित तौर पर ये पुलिसिंग से लेकर या न्यायालय तक लेकर होगी कठिनाई। हमने सोचा क्यों ना लोक स्मार्ट चैनल अपने चैनल के माध्यम से हमने भी खोला है आज से क्लास, जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्लासरूम है। हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत सिंपल सरल भाषा में एक एक सब्जेक्ट पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियोस को अगर कोई पुलिस वाले भी अगर देखेंगे, SHO या इंस्पेक्टर रहेंगे जो FIR दर्ज करने में भी, हम कोशिश करेंगे कि उनको समझाएंगे अपने आगे वीडियो जो जैसा जैसा नंबर आता जाएगा कि कैसे हम पुरानी धाराएं क्या थी, नई धारा क्या है। इस पर हम बकायदा एक PDF भी हम तैयार कर रहे हैं, जो PDF को हम कोशिश करेंगे कि हम अंकित करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि इजी वे में, अगर ये वीडियो कहीं आप कहीं हो तो इस वीडियो को निकाल करके हमारे लोक स्मार्ट चैनल के फेसबुक के वीडियो यूट्यूब को भी हम इसको पेस्ट करेंगे ताकि सरलता से आप समझ सके। चलिए, हम समय है काफी, हम शुरुआत अभी करते हैं इंडियन पेनल कोड, यानी कि हम जैसे जो ओल्ड है, जैसे कि हम अगर यहाँ चलते हैं, अगर जो पुराना था इंडियन पेनल कोड, यानी कि ये हो गया आपको ओल्ड, ये हो गया ओल्ड, ओल्ड कोर्स हो गया, जो अब इंडियन पेनल कोड को ये हटा करके, अब चूंकि जो पेनल जो शब्द लगा हुआ है इसको हिंदी में कह सकते हैं दंड, सॉरी, ये अब नया कानून जो बनाया है इस शब्द को बिल्कुल ये दंड को हटा करके अब इस यहाँ पर अब यूज किया गया है, कोशिश किया गया कि ये उसको जस्टिस, जस्टिस हम कह सकते हैं उसको, अब जस्टिस दिया जाएगा, यानी कि हम उसको ऐसे समझ सकते हैं उसको, अब जस्टिस यानी जस्टिस अब देना है आपको, पैनल को हटा करके जस्ट दिया जाएगा। जो हम जस्टिस के लिए हम आज से जो क्लास का हम आपके केवल हम परिचय दे रहे हैं कि हम डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद, हम पहला विषय पहली किताब उठाते हैं, पहला लॉ जो पुराना जो इंडियन पैनल कोड था, अब जो नया पैनल कोड की जगह से अब हो गया उसके नाम की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान के चलते हैं ये हो गया भारतीय न्याय संहिता 2023, ये विषय है भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हम आज से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ एक एक चीज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और पहले सबसे पहले इंट्रोडक्टरी के रूप में हम अपने फेसबुक पैनल और यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे कि इस जो विषय जो है, यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता में कुल अगर हम चलते हैं तो समझाने के दृष्टिकोण से बताते हैं कि इसमें ये 19 अध्याय है, कितना है तो इसमें है 01 से लेकर इसमें 19 चैप्टर है, इसमें 19 चैप्टर तक है इसमें, यानी कि 19 चैप्टर से अध्याय 19 अध्याय कर सकते हैं, अध्याय 1 से अध्याय 19 तक। ये हमारा जो ये है जो ये भारतीय ये न्याय संहिता यानी कि 2023 में हम जो सब्जेक्ट दिया गया है, हम आज प्रथम दिन क्लास में हम बताएंगे आपको
कि एक एक चैप्टर में वाइज शॉर्ट में समझाएंगे कि एक चैप्टर में क्या क्या चीज है, कौन कौन से विषय आते हैं। आज से शुरुआत हमारे चैनल्स के इंडियन पैनल कोर्ट की जगह पर अब समाप्त करके उसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए हम बता दें कि ये भारतीय न्याय संहिता में जो 19 अध्याय है, एक एक अध्याय का हम शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करेंगे। प्लीज आप कम से कम आज इसमें परिचय में ये आज कम से कम अध्याय की जानकारी देना इसलिए आवश्यक है ताकि समझ सके इसमें कितने अध्याय हैं और इस अध्याय में शॉर्ट में आपको बताएंगे कितना से कितना तक धाराएं सेक्शन है, क्या है, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज क्लियर समझ गए होंगे कि इसमें कि अध्याय एक से लेकर आपको 19 अध्याय तक यह भारतीय न्याय संहिता 2023 में है। अब शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल अध्याय एक में इसमें एक प्रक्रिया है कि इसमें प्रारंभिक नाम और इसका ये परिभाषा के साथ साथ इसमें पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन तक इसमें अध्याय एक में दिया गया है। अगर आप अध्याय दो में चलते हैं यह भारतीय न्याय संहिता में 2023 का, तो इसमें दंड का विषय में आपको डिटेल मिलेगा कि जो जो धाराएं जो लगेंगी, जो थानादार थानाध्यक्ष जो सेक्शन हटाएंगे या उसके में कितने साल की सजा है, कोर्ट में कितना सजा है प्रिस्क्राइब सेक्शन वाइज करके है। जो नई जो भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर दो आप पढ़ेंगे तो उसमें दंड को विषय में यानी उसमें डिटेल उसमें दिया गया है, जिसमें सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 तक कितने तक यानी दंड का विषय में चलते हैं सेक्शन 4-13 तक इसमें डिटेल आपको दिया गया है। ये अब शुरुआत चलते हैं, आइए अध्याय एक हो गया परिचय, अध्याय दो हो गया दंडों के विषय में और अध्याय तीन आते हैं साधारण अपवाद। जो साधारण अपवाद होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल इसमें दिया गया है कि कानून के बारे में जो क्या क्या चीजें हैं, जो आपको डिटेल हम जब आपको पढ़ाएंगे आगे जब चैप्टर वाइज करके एक एक डिटेल तो आप क्लियर कर आप समझ सकते हैं। यानी अब हम आते हैं चैप्टर सीधा 4 पर, जब हम आते हैं तो चैप्टर 4 में आपको देता है कि दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में, यानी कि दुष्प्रेरण आपराधिक यानी कि जो कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं इंग्लिश में, और इसमें जो भी अपराध से रिलेटेड जो उसमें धाराएं लगेंगी वो सेक्शन 45-62 है। ये चैप्टर जब आप 4 में चलेंगे तो आप समझेंगे दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास यानी अटेम्प्ट के विषय में इसमें धाराओं के जिक्र 45 से लेकर आपको 62 तक का इसमें आप पाएंगे। चैप्टर ये 4 में है। अब चैप्टर 5 में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें है कि चैप्टर 5 जो कहता है भारतीय न्याय संहिता में स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यौन अपराधों के विषय में इसमें आपको मिलेगा जो सेक्शन प्रोवाइड किया गया है 63 से लेकर सीधा 63 चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 63 से आगे बढ़ते हुए हम इस विषय में जो कानून जहां तक है ये हम सीधा चलते हैं आपको ये 987 यानी कि आपको सीधा लॉ चलता है 97 तक इसमें इस चैप्टर में है। अगला चैप्टर जब आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर है आपको 6। चैप्टर 6 में है मानव शरीर पर प्रभाव जो डालने वाले जो अपराधों के विषय में, जो जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में डिटेल जो इन जो भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है उसको सेक्शन को आप अध्ययन करेंगे नोट कर सकते हैं। तो 98 से लेकर आगे बढ़ते हुए कई क्लासिफिकेशन करते हुए सीधा ये आपको चले आते हैं ये सेक्शन आपको 144 तक। इस बड़ी इंपॉर्टेंट होगा विषय जब आप आगे पढ़ाएंगे आपको हम अपने क्लासरूम लुक स्मार्ट चैनल के क्लासरूम से पढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे कि मेन इंपॉर्टेंट जो किडनैपिंग जो सुनते होंगे पहले किसी नए धाराओं में चलते हैं तो 136 इसमें सेक्शन बदल जाएगा 136 सेक्शन बन जाएंगे। जो बारी बारी से जब हम क्लासेस करेंगे तो आप समझ सकेंगे
आज के पहला दिन है, हम उसको केवल इंट्रोडक्टरी रूप से हम अध्याय वाइज आपके नॉलेज हम डालते हैं, यानी कि अपहरण व्यपहरण और ये करके चलते हैं। तो ये दासत्व और बालस्यम तो लेकर अब सीधा आते हैं सेक्शन 144 तक। अब नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में चलते हैं तो राज के विरुद्ध जितने जो अपराध होते हैं वो सेक्शन 145 टू 156 तक का इसमें डिटेल इसमें अंकित है, जो आपको बारी बारी से हम बताएंगे। फिर हम चलते हैं इसमें अध्याय 8 पर, अध्याय 8 भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 8 में जब आते हैं तो अध्याय 8 में ये सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में आपको मिलेगा, यानी 157 से लेकर सेक्शन सीधा 166 तक आपको मिलेगा इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं हम तो चैप्टर सीधा हम आते 9 पर, अध्याय 9 भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 9 में आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा सेक्शन जो निर्वाचन संबंधित अपराध जो पहले आचार चुनाव संहिता देते वही चीज को चेंज करके इसको चैप्टर 9 में जो अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है ये धाराओं का मैक्सिमम ये प्रयोग होगा। धाराओं का जहां तक जिक्र बात है ये आपको 167 से लेकर 175 तक आपके इसमें ब्यौरा मिलेगा। फिर हम सीधा चले आते हैं अध्याय 10 पर आते हैं, अध्याय जो 10 पर आते हैं इसमें शिक्षकों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्प को संबंधित जितने जो अपराध होते हैं इस चैप्टर से गाइड होगा। उसका जो सेक्शन है सीधा हम 176 से लेकर सीधा हम आते हैं 186 धारा तक कंट्रोल होगा। फिर हम चलते हैं सीधा चैप्टर 11 पर जब आते हैं तो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में आपको इसमें मिलेगा जो सेक्शन 187 से स्टार्ट होगा और सीधा आपको 195 सेक्शन तक आएगा। फिर इसके आगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 12 पर हम चलते हैं तो चैप्टर 12 बोलता है लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय के बारे में आप देखेंगे तो क्या सेक्शन है 196 से 203 एंड 2003 तक आपको देखने के मिलेगा समझ आपको। चैप्टर 13 के हम चलते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो चैप्टर 13 में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें है इसका सब्जेक्ट है कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में जो धारा है 204 से शुरू होगा और सीधे आपको 224 तक इसमें धाराओं का जिक्र है। फिर हम अध्याय 14 तक जब आते हैं 14 पर, 14 अध्याय बोलता है मिथ्या साक्ष यानी झूठा कोई एविडेंस, मिथ्या फॉल्स अगर कोई एविडेंस बनाते हैं लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में डिटेल इसमें दिया गया है जो सेक्शन 225 से शुरू है और सीधा आपको ये 225 के आगे कई इसमें काफी विस्तार से जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियरेंस होगा। ये सीधा हम आ जाते हैं 267 तक। फिर नेक्स्ट टू बी चैप्टर पर हम आते हैं, वो चैप्टर है आपको 15 अध्याय 15 भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो ये 15 भी है यानी कि 268 लोक न्यूसेंस से हम शुरू करते हैं और सीधा हम आ जाते हैं सेक्शन 286 तक। 286 से लेकर 295 तक आते हैं जो यहाँ तक इस विषय में है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ये अध्याय 16 जो धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में डिटेल इसमें धाराओं का इसमें अंकित है जो इसमें सेक्शन 296 से लेकर 300 तक का इसमें ब्यौरा इसमें अंकित मिलेगा। फिर हम चलते हैं चैप्टर 17 यानी अध्याय 17 में चलते हैं तो इसमें है आपके चोरी यानी क्राइम से रिलेटेड अंगेस्ट प्रॉपर्टी जो जो पुराने में था सेम इसमें सब चीज दिया हुआ है यानी कि चैप्टर 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में कह सकते हैं सेक्शन 301 से लेकर सीधा 305। इसके बाद एक्सटॉर्शन है, इसके बाद लूट है, डकैती है जो बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे जब इस विषय पर जब हम लोग विस्तार से जब आपको बताना शुरू करेंगे तो क्लियर सेक्शन वाइज करके हम बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 के हम चलते हैं सीधा अध्याय आपको 15 पर, सीधा हम आते ये सेक्शन है 18 विषय 18
जो अध्याय में आते हैं, तो इसमें दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों का विषय का इसमें ब्यौरा है, जो धारा है आपका 333 से लेकर 348 तक धाराओं का इसमें जिक्र है। फिर हम चलते हैं सीधा अंतिम जो अध्याय है 1919 यानी कि 349 से 349 सेक्शन से शुरू होगा और सीधा ऐसे मानहानि में इंक्लूड करते हुए हम आते सीधा 356 यानी टोटल भारतीय जो न्याय संहिता 2023 में जो चैप्टर 19 तक का इसमें दिया गया है टोटल 356 धाराओं का जिक्र। ये बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें इतना बड़े लॉ वही चीजें हैं लेकिन उसको मॉडिफाइड करके, पहले अंग्रेजों के समय में जो था इंडियन पेनल कोड उसमें पेनल जो शब्द लगा हुआ था, नया जो भारतीय न्याय संहिता जस्टिस दंड नहीं अब जस्टिस है जो 2023 में जो लॉ है, ये हमने आज आप बताया कि आपको केवल हमने इसका टारगेट रखा है, एक महीना का टारगेट है हमारा। इसके पहले भी एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था, सैंपल वीडियो था, आपको समझ में नहीं आओगा लेकिन यही मेरा रहेगा क्लासरूम, यही मेरा बोर्ड रहेगा, यही मेरी व्यवस्था रहेगी, यही मेरा सब पोडियम सिस्टम रहेगा। हम आज हमने अपने अपने लुक स्मार्ट चैनल के क्लासरूम से मैंने बताया कि जो नया भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो चैप्टर 19 के भीतर जो सेक्शन सीधा टोटल चलते हैं तो कुल सेक्शन 356 टोटल इसमें सेक्शन है। ये जो ये कोड है भारतीय न्याय संहिता का, मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब पीड़ित होता है तो वो FIR ने फर्स्ट, अब इस पर थोड़ा सा ब्रीफ हम करना चाहेंगे कि जो कोई भी क्राइम जो होता है ये थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे आप क्लियर समझ जाएंगे इस पर। ये सीधा हम कोशिश करेंगे, अभी मेरा अभी क्लासरूम पहला क्लासरूम है, कुछ सुविधाओं का संसाधन में कुछ कमियां हैं, निश्चित तौर पर आपको जो नेक्स्ट भी क्लास चलेगा आपको क्लियर कट आपको हम समझाएंगे समझानेंगे। अब थोड़ा सा हम ध्यान खींचना चाहेंगे कि हमने जो आपको बताया कि भारतीय न्याय संहिता ये है क्या चीज, कब लागू होता है ये लॉ, ये भारतीय न्याय जो संहिता है ये तब लागू होता है FIR पर, सेक्शन यानी FIR कह सकते हैं, FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है, यानी कि कोई व्यक्ति के साथ जो अपराध होता है, जो मैंने चैप्टर 19 तक बताया अपराधों का स्वरूप अलग अलग है, जब वो व्यक्ति रिटन पिटीशन या फर्द बयान बयान या उसके बारे में अलग से हम आपको विस्तार से बताएंगे, ये जब रिपोर्टिंग करता है, अब तो काफी सुविधाएं होंगे, ऑनलाइन आप रिपोर्ट कर सकते हैं, SMS से कर सकते हैं, मेल से कर सकते हैं, काफी नए कानून में सुविधाएं हैं। जब आप नेक्स्ट भी बुक पढ़ेंगे तब आपको अपना शक्ति प्रदत्त समझेंगे, लेकिन ये जो भी आप आवेदन जो थाने पर या शिकायत दर्ज कराएंगे, उस शिकायत दर्ज कराए जो कराते हैं जो थाने का जो SHO होते हैं SI रैंक के या जो टाउन के बड़े शहरों के अनुमंडल स्तर के जो SHO होते हैं, इंस्पेक्टर लेवल के होते हैं, कहीं कहीं अब तो ये DSP लेवल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नया नया फॉर्मेशन कल DGP साहब ने मैंने देखा कि उन्होंने एक नियम निकाला है कि जिस थाने में अधिक जो क्राइम होगा वो अनुमंडल पुलिस जो DSP के सीनियर रैंक जो होते हैं वे लोग उनके जो इक्वल टू ASP रैंक आ जाएंगे उनके पोस्टिंग करने के प्रावधान DGP साहब ने कल उन्होंने जो निकाला, जिसके ब्यौरा हम अपने क्लासरूम से बताते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी जो भी नए नए जो DGP साहब जो स्टैंडिंग ऑर्डर पुलिस के लिए निकालते हैं, या कोशिश रहेगी कि ऑनरेबल सीनियर्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मुकदमा होगा जो जनहित से जो इफेक्ट करेगा, वैसे का कोशिश हम करेंगे कि इसका शॉर्ट में हम बारी बारी से इस पर आपको बताएंगे। लेकिन हम अपने विषय पर आते हैं, अभी आज का विषय है जो हमने बताया कि भारतीय न्याय जो संहिता 2023 में है इसका यूज करेगा पुलिस वाले, SHO करेंगे, आपके प्रॉपर आवेदन पर आपके शिकायत पर कौन सी धारा किस कैटेगरी में है वो इस पर आपके FIR रजिस्टर्ड करेंगे। ओल्ड वाला जो अब जो IPC
नहीं लागू करके ये नया जो भारतीय जो न्याय संहिता 2023 का है वो इस पर आपको धाराओं का अंकित करेंगे। जैसे इसे बारी आएगी हम आपको क्लियर करते चलेंगे कि किस हेड का कौन सा सेक्शन। हमारी कोशिश इसमें यह भी रहेगी कि हम इस बोर्ड पर बताने का प्रयास करेंगे, दो हम आपको यह एक क्लासिफिकेशन बनाएंगे, दो हमारा इंडेक्स रहेगा, एक में लिख देंगे ओल्ड सेक्शन, ओल्ड सेक्शन रहेगा, और एक में न्यू सेक्शन यानी कि नए सेक्शन जो होगा ये रहेगा हमारा भारतीय न्याय जो संहिता में, यानी कि कोई भी थाने के SHO जो होंगे केस दर्ज करेंगे तो कहीं कंफ्यूज करेंगे तो जब इस सेक्शन जैसे ही बैठाएंगे तो उसके बगल में ये हमारे स्टेटमेंट रिपोर्ट जो हम बना रहे हैं वो ये हमारे स्टेटमेंट इंडेक्सिंग में आपको मिल जाएगा कि पुराना सेक्शन क्या था नया सेक्शन क्या था, हमने इसका पूरा तैयारी किया हुआ है। लेकिन एक एक चीज को हम बारीकी से समझाएंगे, लेकिन अब ऐसा नियम है जो भारत देश के संविधान वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों ने ऐसा किया कि हर जो भारतवर्ष के एक एक व्यक्तियों को नॉलेज हो कि 2023 में हमारा कानून क्या है, हम जो FIR दर्ज कराने जाएंगे इस पर कौन सी प्रॉपर धारा बैठेगा, कम से कम जनहित में नॉलेज उसको होना चाहिए, या SHO तो उनके तो मैंडेटरी है सेक्शन बैठाएंगे। लेकिन हमारे चैनल से कोशिश रहेगा कि इतना समतल वे में आपको हम समझाएंगे एक एक चीजों का, जो आज से हमने विषय चुना है जो ये बुक यानी आज प्रथम वीडियो जो हमारा पोस्ट हो रही है इस वीडियो में केवल वही है कि केवल ये हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो ओल्ड नाम इसका था इंडियन पेनल कोड IPC शॉर्ट में, उसका नया नाम है भारतीय न्याय संहिता का, जिसमें चैप्टर 19 लेकर के हमने उसमें सेक्शन 1 से लेकर के सीधा हम 356 तक का जो हमने कैटेगरी करके बताया, लेकिन कैसे कैसे लागू होगा कब कब लागू होगा इसके साथ साथ एक हम PDF रिपोर्ट भी हम बना रहे हैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से, उसको बना करके हम उसको पोस्ट करेंगे। आप जैसे ही आप हमारा वीडियो क्लिक करेंगे तो स्पष्ट बाद में अभी नहीं क्लास चलने के बाद में समझ जाएंगे, तो आपको बारी बारी से धाराएं आती रहेंगी। आपको कैसा हमारा क्लास लगा डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद ने जो आपको बताया कंटिन्यूअस, ये हमारा क्लासरूम है, हमारा लोकेशन है छपरा सारण बिहार से, हम बोलते हैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद। ये हमने इसलिए ये विषय ये वीडियो बनाना ये पसंद किया क्योंकि नए कानून आने में काफी मशक्कत 4 सालों तक मेहनत करना पड़ा था, तब जाके कानून पास हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के पीरियड में ये। लेकिन इसमें जब तक टीम की भावना नहीं आएगी, जब तक एक दूसरे को सहयोग नहीं होगा, सरकार ने हालांकि 3,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया है जो हम बता रहे हैं, ये लोग जा जा करके हर राज्य लेवल तक बताएंगे, किताबें छप रही हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम भी इसमें सहयोग करें सरकार को, हम भी सहयोग करें कानून को, हम भी सहयोग करें पुलिस को, हम भी सहयोग करें आपको कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की भावना से हमने नया वीडियो स्टार्ट किया है। ये हमारा क्लासेस लॉ पर प्रतिदिन आपको मिलेगा, आपके YouTube पर भी आप देखेंगे, अभी Facebook पेज पर हैं, दोनों पर मिलेगा आपको। और जो भी अगर आप चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी इसमें है, हमारा नंबर है 7677387021, लिखना हम लिख भी सकते हैं इस पर 7677387021 मेरा मोबाइल नंबर है, इसी पे मेरा व्हाट्सएप पर यू कैन सेंड एनी क्वेश्चन टू आस्क अस, पूछ सकते हैं, जवाब देंगे आपको हम, बेहतरीन जवाब देंगे, एक एक कमेंट का हम जवाब देंगे। कैसा रहा हमारा क्लास आप इस पर पहले बताएंगे, कल से हम शुरुआत करेंगे, 1 महीने का कोर्स है भारतीय न्याय संहिता का, यानी कि 1 महीने के भीतर जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो दूसरी किताब में चलेंगे GRPC ओल्ड जो था, फिर उसका 3rd महीने में आएंगे तो हम एविडेंस एक्ट पर आ जाएंगे, साक्ष्य अधिनियम पर आ जाएंगे, तीनों का मिश्रण के साथ साथ बीच बीच में अच्छे से आपको जो स्टैंडिंग ऑर्डर होगा ऊपर से नीचे तक का कोर्ट या विभाग का होगा हम एक साथ लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल कर समझाएंगे। हम इसी क्लासरूम में एक हम व्यक्ति को खड़ा करेंगे, वो मेरे पास आएगा कहेगा कि सर मेरे साथ घटना ऐसी हो गई है, ऐसी घटना हो गई है,
आप उसको सुनेंगे तब हम सुन के बताएंगे। इसके कहने का मतलब ये है इसमें कौन सी प्रॉपर भारतीय न्याय संहिता की धारा बैठना चाहिए। हमारा कोशिश रहेगा आपके एक एक चीज प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे आपको लंबा क्लास। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो को जरूर आप देखें, कम से कम जो पुलिस भाई हो हमारे जरूर वीडियो को देखें समझें और अपना प्रतिक्रिया देंगे। हमारे वीडियोस को हमारे एडवोकेट भाई भी देखेंगे, इसको सजेस्ट कर सकते हैं हमारे वीडियो को। अनरवल जो जजेज हैं लोअर कोर्ट या जो भी हो, कोशिश रहेगी कि अगर हमारे वीडियो को भी रिव्यू कर सकते हैं। सारी टीम एक साथ रहेगी तो ये पढ़ाने में क्लास में लोकेश पांडे चैनल डॉक्टर वालों सब साथ को ईजी होगा। हम हैं आपके साथ, चलते हैं फिर आपको फिर कल मिलेंगे। कल से कंटिन्यूस कल से हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर वन आज इंट्रोडक्टिंग परिचय आज मेरा आज बताया। कल से हम बताएंगे आपको एक एक विषय उठाएंगे खंड खंड करके समझाएंगे प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे तो सर फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद।